दोस्तों, मैं आपका अमरी नासिर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन है। यहाँ पे लगातार सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान अलग अलग स्टेट से आकर अपना विचार रख रहे हैं। हम बात अंदाज देखो जुबान मेवात आज तक। हमारे पास एक शख्सियत कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो जिनको आज बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे, लेकिन हमारे पास एक ऐसे शख्सियत है जो अपनी विचार को रखना चाहते हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? आई एम संजीव कौशिक फ्रॉम मुजफ्फरनगर। क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, है परमात्मा टाइम से आ जाए ना, अपनी छह छह लत्तर कराए ना, हमारे सिस्टम की कराए ना, लोकतंत्र की कराए ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कराए ना, दिल्ली पुलिस की कराए, छह लत्तर और ना प्रदेश पुलिस की कराए और ना ही मेरे देश के अन्नदाताओं की। आपने बार बार कहा छह लत्तर कहने का मतलब क्या है? बड़ी जमीनी, बहुत बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया कि बड़ी जमीनी को छह लत्तर मीन्स हास्यास्पद स्थिति और ऐसी स्थिति कि ना वो मतलब हमारा सिस्टम ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सद्बुद्धि आ जाए, समय से आ जाए। और जिस तरह से एक ट्विटर के ट्वीट कर देने से रिहाना नाम की जो सिंगर है वो ट्वीट कर देती है, तो उस पर अमिताभ सचिन तेंदुलकर हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ऐसे शख्सियत लोग उस पर बोलने लगते हैं कि हमारे आंतरिक मामला में लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? बेटर तो ये होगा जी, देखो कि नाचने गाने वाले लोग अपना काम करें, किसान अपना काम कर रहा है, किसान सरदर्द की बाजी लगा के निकला हुआ है, डू एंड डाई, एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई। ये आपको लाइन शायद अच्छी लगी नहीं होगी, लेकिन मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ है, ये मैंने खुद बनाई हुई है। और किसानों के इशू हैं, किसान डे वन से परेशान हैं, पिछली सरकारों में भी किसान लुटता पिटता रहा, ठीक है, लेकिन इस सरकार ने तो अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा और अपने डेजिग्नेशन का भी ख्याल नहीं रखा, और केंद्र सरकार ने अपने गिस्तर गिरने का स्तर भी नहीं रखा। ये सरकार और ये सिस्टम हमारा इतना गिर गया जितना बरेली के बाजार में झुमका भी नहीं गिरा था। तो क्या आपको लगता है, क्या सच में मियां खलीफा या ग्रेटा थंबर्ग हमारे देश में, हमारे देश के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, वो उनका अपना डिसीजन है, उनके अपने थॉट्स हैं। जहाँ तक मियां खलीफा और ये वो कौन बंदा काम क्या कर रहा है और कैसे रोजी रोटी चला रहा है, वो उसका पार्ट है, बट उन्होंने अपने थॉट्स रखे किसानों के प्रति। और जहाँ तक कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और नो एनी डाउट उन्होंने सपोर्ट किया, बट उसके पीछे देश विरोधी शक्तियाँ ये वो, ये तो गवर्नमेंट के प्रोपगेंडे हैं और उनकी गुगलियाँ हैं, किसान उसमें फंसने वाला नहीं है, आप देख ही रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारी केंद्र सरकार डे वन से पिछले साढ़े सात सालों से कन्फ्यूज़ है, जब से ये आए हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बन के, पहली योजना में भी और अब की बार भी। प्रॉब्लम क्या है कि ये बस पब्लिक को क्या दे रहे हैं, बहनों भाइयों और मित्रों, बहन भाई घर पे हैं, मेरे बुजुर्ग जो उनके मित्र हैं वो आज ऑन रोड बैठे हैं। कितनी विडंबना है किसान एकता। जहां तक बात केंद्र सरकार के काम करने की है, हम तो खुद ही कह रहे हैं जी, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई डेजिग्नेशन नहीं है केंद्र सरकार के पास, तो बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इन्होंने जवान और किसान आमने सामने कर दिया। ये भूल गए कि बॉर्डर पे भी किसान का बच्चा है, कॉर्पोरेट घराने का कोई बच्चा नहीं है, किसी फाइनेंसर का नहीं है, किसी इंडस्ट्रीज का नहीं है, किसी बिजनेसमैन का नहीं है, किसी ट्रेडर का नहीं है, गारंटी ले रहा हूँ मैं, आप बताइए। और रही बात इसकी कि जो मेरा मजदूर और किसान था, अन्नदाता, जो धरती माता का सीना को चीर के पसीना बहा के सबके जीव जंतु को, पशु पक्षियों के, सृष्टि का पेट भर रहा था, आज वो ऑन रोड बैठा है और उसका तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। कभी मिलिटेंट बोल रहे हैं, कभी आतंकवादी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ, इनकी तो जी जवान है, ये जो मर्जी बोल दें, कंट्री एड है। बट ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, मोदी जी आप सम्मानित सीट पर बैठे हुए हैं और पब्लिक के ने आपको वोट भी किया, सपोर्ट भी किया, पब्लिक ने दीवानापन दिखाया आपके प्रति, पागलपन दिखाया, नशे की हद तक जाके आपको वोट किया, पलकों पर बैठाया, बट आप उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। और दर्शकों को आप क्या संदेश देना? दर्शकों को तो मैं क्या कहूँ, मैं तो एक छोटा सा किसान का एक पोता हूँ जी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं प्राइवेट जॉब में अपने बच्चों का पालन कर रहा हूँ पोषण। मैं ना चाहते हुए भी इस कंट्री की हालात आपको एक लाइन में आपके चैनल मेवा चैनल के माध्यम से खोलना चाहूँगा। इस टाइम पे हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कंट्री कहाँ खड़ी है, हमारा यूथ कहाँ खड़ा है, आप समझना। 12 से 18 महीने के अंदर अंदर हमारे हिंदुस्तान का यूथ जो है, बेरोजगारी,
रोजगार के लिए सरधड़ की बाजी लगा के रोड के ऊपर आएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। अच्छा, रही बात उसकी, किसान का रिजल्ट आने में समय लगेगा। वी वांट ओनली विक्ट्री, दैट इज अवर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। कुछ लोगों ने अभी फोन करके कहा था कि या तो आप किसानों की सच्चाई ना दिखाओ, या तो चैनल बंद कर देंगे या फिर तुम्हारी जुबान। माय डियर फ्रेंड योर क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन, 110% जेन्युइन है। मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी बता देता हूँ। 300 से 400 यूट्यूबर चैनल जो बच्चे रोजगार अपने बच्चों फ्यूचर बना रहे हैं और इसमें अपने दाल रोटी चला रहे हैं, उनको नोटिस आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुनिया वाला भी काम हो सकता है, आपकी जो वीडियो है, हम जैसे भाइयों की बनाई हुई वीडियो आपकी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, नोटिस का जवाब सरकार मांगेगी। सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप दिल्ली पुलिस ऑन रोड पे, मैं एक वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, कुत्तों की तरह मेरे भाई बंद हैं, वो भी जीभ निकाल के ऑन रोड खड़ी है और वो जो है वो चालान इस तरह से भर रही है, मतलब किसी तरीके से उन्हें अपना सरकारी कोटा भरना है। अभी हमारे एंकर हैं अरशद बीशरू के नाम से, हाँ जी, हमारे जो एंकर है चैनल के मालिक हैं, उन्हें अभी किसी ने कॉल की थी और उन्हें धमकी दे के कह रहे थे या तो हम आपका चैनल बंद करा देंगे, और उनके साथ कुछ चैनल थे जो उनके साथ दे रहे थे, उन्होंने धमकी दे के कहा था या तो चैनल बंद करा देंगे आपका, ना तो हम आपकी जुबान बंद कर देंगे। नो एनी डाउट, हर उस बंदे देखे, एक बात मेरी सुन ले, समझ गया, चैलेंज जो भी हो तेरा या ना हो, मैं हूँ ठाकुर डॉक्टर आरएस चौहान, और आज जो है खुद देहरादून से चल के सिर्फ इस वजह से आया हूँ, और तूने देख ही लिया होगा, मुझे दिखाई यूँ नहीं देता, लेकिन लेकिन मेरी बात यह है कि मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी किया हुआ, और मैं स्कूल में नहीं कॉलेज में पढ़ाता था उन लोगों को जो टीचर बनते हैं 40 साल, तो नहीं मैंने सोचा तो ऐसे नहीं। तो भैया इसलिए मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके हर्षद को या किसी को कहता है कि चैनल बंद करवा देंगे, ठीक, आप मुझे साथ ले चलो, मैं फोटो तो वही खींचेंगे, मुझे क्या करना अपना फोटो, मैं वो बात बताऊंगा जो आप नहीं कह पाते, और जिसे बंद करना हो मुझे कर दे। आप क्या बताना चाहते, क्या कहना चाहते, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही है, सबके विचार अलग हो सकते हैं, अलग होने चाहिए, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर एक ही विचार का बहुमत इतना हो जाए 90-10 का, तो आपके देश का सत्यानाश निश्चित है। तो गलती उसकी नहीं है जो हमें गुलाम बनाना चाहता है, गलती उसकी है जो एक ग्रुप को 90% वोट दे रहा है, वो गलत है। अब आप भी मुझे बुरा कहेंगे, अंकल जी जो हमारे बीसरू हैं, हाँ, जो चैनल के मालिक हैं, ठीक है, उन्होंने डट के मुकाबला किया है, उन्होंने कह दिया आपको जो करना है बस, ठीक है, फिर चाहे दिखा के रहेंगे। हाँ, एक बात और सुनो, मैं हिंदी और अंग्रेजी सारे चैनल्स फॉलो करता हूँ, अंग्रेजी के जो बड़े दिग्गज बनते हैं और जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे सच्चा वो ये चिल्लाता था कुत्ते की तरह, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए कुत्ता कह सकता हूँ, भाई साहब वो आदमी पक्का बिका हुआ है। ये तो आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने ये किया ये किया, मैं 2 साल पहले तक उसका चैनल रोज़ सुनता था 9 बजे, लेकिन 2 साल पहले मैंने उसको सुनना बंद कर दिया, समझ गए आप? आपका एक क्वेश्चन था पत्रकार महोदय कि आपके चैनल हेड को धमकी मिल रही है, पिछले 7 साल 7.5 साल से हो क्या रहा है इस लोकतंत्र में, ये हमारी केंद्र सरकार उस ट्रैक पे चल रही है, जो भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा, न्याय की बात करेगा, गरीबों को उभारने की बात करेगा, तो उसका गर्दन ही पकड़ी जाएगी और क्या होगा, बाकी जेल का सलेखे हैं, तो इससे डरने वाले नहीं हैं कंट्री, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ब्लड लोगों के नसों में दौड़ रहा है। और रही बात इसकी, केंद्र सरकार, एक चीज क्लियर कर दूं, केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा
और माननीय अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा, होम मिनिस्टर को, और तमाम ये जो प्यादे बैठे हुए हैं डेजिग्नेशन पे, मिस्टर तोमर, मिस्टर राजनाथ सिंह इज आवर रिगार्डिंग पर्सन, मिस्टर पीयूष गोयल, हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार आपको बताओ कि 77 दिन और लंबा ये प्रोटेस्ट कैसे चला और हमारे देश का अन्नदाता ऑन रोड कैसे बैठा और आपने काले कानून किसकी परमिशन पे, किसकी सलाह पे ये चलो ठीक है ये कर लो दूसरा शकील अजमेरी। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।